हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ अलीबाग ट्रिप। अभी जस्ट खाना खा के हुआ है एंड वो जो वीडियो मैंने कट किया था और बोला था कि उसके बाद मैं वो भी डालूँगा हिस्ट्री वाला वीडियो, तो वो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा ताकि एक सीरीज कंटिन्यूएशन में रहे। तो अभी रेप डंडा चले। हाँ चले रेप डंडा ना, और जो मेरे से मिलना चाहता है तो आ जाए सब। हाँ, सब्सक्राइबर्स कैन कम। चलो इधर सब, अभी ऐसे ही आपको कोकोनट ट्रीज देखने मिलेंगे। क्या हो गया सर? कोरलाई चौपाटी, काशी चौपाटी 16 किलोमीटर और यहाँ पे है रेवदंडा किला। ऑफ रोड सेक्शन चालू। वाह वाह वाह, मजा आता है। श्रेयस पीछे बैठ के चिल्ला रहे। रेव डंडा ऑफ हॉलीडे, फोर्ट बीच टेंट कैंपिंग नहीं चाहिए हमको, हमको किला चाहिए। एंड देयर वी आर गोइंग। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। गया खत्म, टाटा उतरा। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेवदंडा फोर्ट। अभी जस्ट पार्क किया और जैकेट डाल दिया अंदर। इसका बड़ा फायदा है इसका। यस, बहुत एडवांटेज है तेरे लिए, ये स्वर्ग से कम नहीं है। चलो अभी देखते हैं फोर्ट। हाँ नहीं, सच्ची में अभी देखो मेरा जैकेट अंदर चला गया। हाँ सी दिस, सी दिस। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, देन इट्स ऑसम प्लेस। एंड मेन मतलब इस दीवार के पीछे साइड बीच है, और क्या चाहिए यार। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। हाँ, एक वीडियो में मैंने देखा था कि यहाँ पे एक दरवाज़ा है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी, तो वहाँ से बीच पे भी जा सकते हैं हम लोग। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ तो लिखा है, ये पढ़ लो पहले। टेक द स्क्रीनशॉट।
एंड रीड इट। अभी देखते अंदर जाएंगे, बट मैं बीच पे जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ। जिस काम के लिए आए वो तो करेंगे ना। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं है इधर। ना 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 ना, इधर नहीं है। ही खासगी मालमत्ता आहे, प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे। अरे बाप रे, देख रहे हो, ये जो है वो सारा बीच है। जाएंगे जाएंगे, उधर भी जाएंगे। पहले इन दोनों को आने दो, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते, इधर ही फोटो वीटो निकालते। फोटोग्राफी करनी है ना बॉस, सच्ची में इससे भयानक जगह कोई भी नहीं लग रही है मेरे को अभी। ये देख लो ऊपर का एरिया, बट ऊपर नहीं जा सकते। ड्रोन रहता तो आपको ऊपर का भी शॉट में दिखा देता था। अरे बाप रे, इधर एक दो तीन चार, चौथे माले पे ये इधर किधर तो मधुमक्खी का छत है, इतना ही दिख रहा है इधर से। और इधर तो है ही नहीं फिर कुछ। सही है बस। ये फोटोशूट वाले हमारे भाई साहब और वो मॉडल। मत हसाना, लेने तो दे पहले उसकी फोटो। वो हंसता ही नहीं है, इसके लिए हसाना पड़ रहा है। अभी इतना कैंडिड आ रहा है, निकाल लो। या देख, अभी तूने इतने हाइट के लेवल में देखना, ठीक है? एग्जैक्टली ऐसे रहना डियर। एकदम फॉर्मल में बैठा है भाई। मत ना खिंच खिंच कर। वाह 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 वाह, प्री वेडिंग शूट चालू वाटत ते आई गेस। हम लोग को उधर भी जाने के बाद में, वो है कोरलाई फोर्ट। ये किला है, अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, इतना ही है देखने के लिए। ये बीच भी एकदम क्लीन है, पानी भी क्लीन है। ओवरऑल बीच इज सो गुड। ये इनका बचपना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वाह वाह वाह। मैं पानी में इसके लिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे है शूज़ और मैंने एक्स्ट्रा पेयर स्लीपर हो या फिर क्लोथ्स हो कुछ भी नहीं लाया है, लेकिन मेरी बहुत इच्छा हो रही है क्योंकि यार यहाँ तक आके मैं ये पॉइंट पर रुक रहा हूँ। देखो यहाँ तक पानी आ रहा है और मैं रुक जा रहा हूँ। बट लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो स्टे करेंगे एकदम मस्त वाला, और मुरुड़ में करेंगे क्योंकि मुरुड़ का कैसा सीन है कि मुरुड़ में सी शोर पे ही अपना सब होटल लाइन है, तो होटल में रुको, सुबह उठो और ये पूरा बीच व्यू दिख जाता है आपको। चलो यहाँ की मस्ती आपने देख ली। ओ
नॉइज़ विंड नॉइज़। यहाँ की मस्ती आपने देख ली। अभी हम लोग जा रहे हैं कोरलाई बीच सामने। ये जो दिख रहा है ये पहाड़ जो ये दिख रहा है ना, ये बेसिकली कोरलाई किला है। ये भी किला ही है बट अभी नहीं था। हम लोग अभी उधर जा रहे हैं, वहाँ से आपको मैं सनसेट का टाइम लैप्स दिखाने वाला हूँ। स्पेशली उसके लिए हम लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं अभी। और वो यहाँ से एटलीस्ट 6 से 7 किलोमीटर है। हमें घूम के एक बार 360 दिखा, ये पूरे पहाड़ को क्रॉस करते हुए ऐसा जाके इधर, फिर इधर से चढ़ाई चालू होगी। और चढ़ाई कम से कम 10 से 15 मिनट की ही है, तो नॉट बहुत टफ नहीं है। मतलब टफ नहीं है। तो निकलते हैं यहाँ से अभी एंड देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है आगे का। अलीबाग से जब आप लोग आओगे तो आपको यहाँ से राइट लेना है। देखो लिखा भी है उधर, क्या है कैसे जाने का। लास्ट टाइम हम लोग इधर से आए थे रोहा से, और जो रास्तों की वाट लगी है ना उधर, उसके वजह से हमारे पिछवाड़े की वाट लगी। तो ये जो रास्ता है वो एकदम अच्छा है, एकदम नहीं बोल सकते। देखो आप जैसा अभी ये दिख रहा है, सम पैचेस आर बैड बट मोस्ट ऑफ द पैचेस आर सो गुड। चलो एंट्री इज वियर, 2 किलोमीटर और अंदर जाना है। काय केला जाईल, हम लोग अभी ये रास्ते से जा रहे हैं। दिख तो रहा है ऊपर तक जाएगा करके, यहाँ से फिर से इधर जाएंगे, इधर से शायद वो पॉइंट पे जाएंगे सनसेट का टाइम लैप्स लेने के लिए। चलो चलो गाइज़। आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप ट्रैवल करो तो एटलीस्ट एक बिस्किट का पैकेट साथ में रखो, ताकि अगर ऐसे कोई स्ट्रीट डॉग्स मिल जाए तो उनको आप दे सको। बस ज़्यादा नहीं जास्ती, अरे 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 रुक जा, इधर ही रुक जा बेटा, टाटा। चलो अपने लाइट देख लो, पूरा रास्ता चमक गया। ये 1 मिनट से ऐसे ही चालू है रास्ता, वाट लग गई है। अरे बाबा ये देखो, अरे
बंद की वाट लग चुकी है पूरी। चलो एक बात तो बोलता हूँ मैं कि अपना जो फॉग लाइट है ना वो बहुत कमाल का काम कर रहा है, बहुत से मतलब टेंशन ही नहीं है कुछ। और कोई जब आ रहा है ना आगे से तो मैं बंद करता हूँ उनको तकलीफ ना हो इसके लिए। बट कभी कभी क्या हो रहा है कि जो ट्रक है या फिर कार वाले हैं वो अगर बंद नहीं करते तो मैं फिर से चालू करता हूँ। अगर इस पे से बाइक गया ना हो गया फिर कल्याण, टायर का टुकड़ा था नथिंग, बट फिर भी अपना काम बनता है। हम लोग बाइकर है खुद, इसके लिए हमको मालूम। सो गाइस फाइनली कंप्लीटेड द राइड और अभी हम लोग है कामोटे के पास। ये जो कलमबोली JNPT जो रोड है नया बना हुआ वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। एज यूजुअल कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत मस्त। बस एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक बोलो कुछ भी बोलो, एक हमें फोर्ट पे जाने को नहीं मिला। अदरवाइज़ बाकी जो है राइड बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया, बीच बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया। उसके फुटेजेस तो आप देखोगे वीडियो में और देखा ही रहेगा अभी। सॉरी ये तो एंडिंग पॉइंट है तो आपको अब मज़ा आया रहेगा और बहुत अच्छा लगा लिटरली। श्रेयस बहुत अच्छा लगा, इसका फर्स्ट टाइम है मेरे साथ में लॉन्ग वाला, तो कैसा लगा? फर्स्ट नहीं आई गेस सेकंड है, बट फर्स्ट ऑन डोमिनार, फर्स्ट यूनिकॉर्न पे था पुणे पे, तभी इतना कुछ क्रेज नहीं था, वो मेरा फर्स्ट राइड था लॉन्ग। ये अभी तो आदत हो गई राइड की, अभी चलो। बट कैसे लग रहा है अभी? बहुत मज़ा है। पीछे बैठ के कैसे लगा? अरे बीच बीच में रोड के पैचेस थोड़े ख़राब थे लेकिन ओवरऑल अच्छा था सब, और प्लेसेस भी काफ़ी अच्छे थे देखने के, और सी के यहाँ पे काफ़ी सूदिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। सिर्फ हमको फोर्ट के अंदर नहीं जाने मिला ड्यू टू कोविड रीज़न, वहाँ पे बंद है वो फोर्ट। जो हमने वीडियो देखा था एक बंदे का तो वो ऊपर तक गया था, तो हमने भी सोचा चलो हम भी देख के आते, और स्पेशली हम लोग सनसेट देखने गए थे क्योंकि वहाँ से जो टाइम लैप्स आता ना और ख़तरनाक आता था और वाइड आता था, इसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि वहाँ पे जाएंगे टाइम लैप्स निकालेंगे और रिटर्न आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है अभी कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा करमरकर म्यूज़ियम के बारे में, सारी हिस्ट्री आपको उसमें देखने मिलेगी, तो वो वीडियो मिस मत करो। एंड अकॉर्डिंग टू मी द राइड वॉज सो ऑसम सो गुड, ऐसे ही राइड करते रहेंगे एंड एक्सप्लोर करते रहेंगे ऑल ओवर इंडिया। सो लेट्स मूव नाउ, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ फाइनली। टेक केयर, टाटा, गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।